केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री और बैतूल से सांसद दुर्गादास उइके का जय जय बजरंगबली भजन पर डांस करता हुआ वीडियो काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। इस दौरान मंत्री उइके अपने कांधे पर गदा लिए हुए दिखाई देते हैं। वे बजरंगबली के भजन पर पूरी मस्ती में झूम रहे हैं और नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं। बैतूल के लोहिया वार्ड में गणेशोत्सव पंडाल में केंद्रीय राज्य मंत्री पहुंचे थे। इस दौरान यहां सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था। बजरंगबली के भेष में एक युवक नृत्य कर रहा था। जब मंत्री पहुंचे तो नर्तक ने हाथ में पकड़ी गदा उनके कंधे पर रख दी। इसके बाद देखिए उइके किस तरह से जोश में आ गए और जय जय बजरंगबली के भजन पर जमकर नृत्य किया। इस पंडाल में केंद्रीय मंत्री पहुंचे थे, वहां पर रामलीला की थीम पर गणेश प्रतिमा भी बनाई गई है। इस दौरान मंत्री उइके ने कहा, राम जी के रूप में बनी गणेश की प्रतिमा दिव्य दिखाई देती है, भव्य दिखाई देती है। तो पूरे देश में, पूरे विश्व में एक जैसी ही आकृति में बनती है और गणेश जी विघ्न विनाशक, पाप नाशक, रोग नाशक, सुख स्वरूप, परम तेजस्वी है और आज़ादी के स्वतंत्रता समर में बाल गंगाधर तिलक जी ने महाराष्ट्र की पावन सर जमी से ये महान यात्रा प्रारंभ की थी और आज पूरे देश में ही नहीं अपितु दुनिया के अन्य देशों में भी जहाँ पे सनातनी भाई बहन रहते हैं वे लोग भी क्या है, दर्जे साधना आराधना उपासना के माध्यम से भगवान गणेश जी से विद्या बुद्धि ज्ञान प्राप्ति की कामना करते हैं।